बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू चैप्टर है चैप्टर 6 अबाउट फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड्स क्या होती हैं? बहने वाली अशिया को फ्लूइड्स कहती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। लिक्विड्स भी और गैसेस भी, दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। डायनामिक हरकत को कहते हैं, मोशन को कहते हैं। तो फ्लूइड डायनामिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मूविंग फ्लूइड को डिस्कस करते हैं। बहते हुए फ्लोइंग फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए जो फिज़िक्स है उसे फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। डिफाइन यू करेंगे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। Which deal with study of flowing fluid, या which deal with study of fluids in motion, ऐसे fluids की study जो moving हालत में है उन्हें क्या कहेंगे? Fluid dynamics कहते हैं। बहते हुए फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? पहली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। इसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। बहते हुए फ्लूइड्स की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है उसे उस मटेरियल की, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कहते हैं। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है तमाम फ्लूइड्स की। तो किसी फ्लूइड के बहने में जितनी रुकावट है वो उस मटेरियल की विस्कोसिटी होती है। ये अगर कोई फ्लूइड है उसके डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करती है। इन तमाम लेयर के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है, जो रगड़ की कुवत है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इनके दरमियान जो ड्रैग है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से शो करते हैं। इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। इट्स डायमेंशन इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये इसकी डायमेंशन है, ये इसके यूनिट है और इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से डिफरेंट होती है। अगर लिक्विड्स का टेम्परेचर राइज किया जाए तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो जाती है, मगर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, विस्कोसिटी का लिक्विड्स और गैसेस दोनों पे उल्टा असर होता है। टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ है फ्लूइड फ्रिक्शन या इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। जब कोई बॉडी फ्लूइड में मूव कर रही है, जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में मूव करती है तो फ्लूइड्स उस मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश करती है। ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स में पाई जाती है, जो मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश करती है,
उसे फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स कहते हैं। मसलन मैंने फुटबॉल में किक लगाई, फुटबॉल को किक लगाई, ये फुटबॉल एयर में जा रही है तो एयर इसे रोकने की कोशिश करती है, कुछ देर बाद फुटबॉल रुक जाती है तो हवा ने इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाई उसे ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्लूइड्स के अपने चलने में रुकावट विस्कोसिटी है, किसी और बॉडी को रोके तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स होती है। और स्टोक्स लॉ के मुताबिक इसकी वैल्यू का डिपेंड तीन चीज़ों पर होता है। फर्स्ट में एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, ये नीचे गिर रही है तो इस पर जो ड्रैग फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ उसका डिपेंड किस पे है, 6 पाई कांस्टेंट होता है। एक तो डिपेंड मीडियम की विस्कोसिटी पे है ईटा पे, दूसरा इस बॉडी के साइज पे रेडियस पे, तीसरा इस बॉडी की वेलोसिटी पे। जितना मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी, जितना बॉडी का साइज बड़ा होगा ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड से बॉडी मूव कर रही है ड्रैग फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो जब बॉडी नीचे मूव कर रही है उस पर दो फोर्स अमल कर रही हैं, एक तो बॉडी का वेट है एंड वेट वर्टिकली एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वर्टिकली डाउन वेट की डायरेक्शन है, जबकि ड्रैग फोर्स मोशन के अपोजिट है अपवर्ड। बॉडी पर कितनी नेट फोर्स लग रही होगी, व्हाट इज़ नेट फोर्स, चूँकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फर्ज करें डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है अपवर्ड फोर्स कम है, ज़्यादा में से कम फोर्स माइनस कर ली जाए तो नेट फोर्स आ जाती है, लिहाजा जो नेट फोर्स है वो वेट माइनस ड्रैग फोर्स होगी। वेट एम जी के बराबर है, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी के बराबर है, ये नेट फोर्स है एम ए। अगर आप बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें तो मास पे डिवाइड कर लें, एक्सेलरेशन होगा जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाई एम, एम को यहाँ भी डिवाइड किया एम को यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, इस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना टर्मिनल वेलोसिटी का होता है। अब देखिएगा जब बड़े नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जहाँ हो वहाँ वेलोसिटी में चेंज आती है, जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आती है, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है इसमें एक्सेलरेशन है इसलिए बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है, अपवर्ड फोर्स में भी इजाफा होता जा रहा है। तो वेलोसिटी की एक ऐसी वैल्यू भी आती है जहाँ वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स इतनी हो जाती है कि वो वेट के इक्वल हो जाती है, दोनों फोर्सेस एक ख़ास वेलोसिटी पे बराबर हो जाते हैं, जिस वेलोसिटी पे दोनों बराबर होते हैं उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं वीटी। इसकी वैल्यू कैसे मालूम की जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तब टर्मिनल बनती है जब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं। जब दोनों फोर्स से बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि नेट फोर्स किसके बराबर है, डब्ल्यू माइनस एफ डी। जब ये दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गई, अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लिहाजा टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। जब अपर डाउनवर्ड दोनों फोर्स से बराबर हो गए, नेट फोर्स नहीं है नेट एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस वेलोसिटी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, इस इक्वेशन में वेलोसिटी को टर्मिनल बना दें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, सो ज़ीरो इज़ इक्वल टू जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई एम। नेगेटिव वाला इधर आ जाए, 6 पाई ईटा आर वी टी
डिवाइडेड बाई एम जी के बराबर है। वी टी की वैल्यू एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। इस वेलोसिटी को कहते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है और वेलोसिटी फिर मज़ीद नहीं बढ़ती, वेलोसिटी यहाँ पे फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है। अगर इसकी इक्वेशन आप डेंसिटी की फॉर्म में लेना चाहें तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किसके इक्वल होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। चूँकि ये स्फेरिकल बॉडी है, किसी स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, इस बॉडी का वॉल्यूम है। एम की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लें तो टर्मिनल वेलोसिटी होगी एम जी, एम की जगह डेंसिटी 4/3 πr³ मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय 6 πr³। तो कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह गया 2/9 ईटा डेंसिटी जी आर स्क्वायर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है डेंसिटी की फॉर्म में। तो जब भी आप टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं वो डेंसिटी की शक्ल में करते हैं, ठीक है। इफ आर इज डबल, अगर बॉडी का रेडियस डबल, बड़ी बॉडी है जिसके रेडियस पहले से डबल है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी? पहले वाली से जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। आर का स्क्वायर है, आर अगर डबल हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा बॉडी मूव कर रही है, ऊपर ड्रैग फोर्स है और नीचे बॉडी का वेट है। बॉडी नीचे मूव कर रही है क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा थी, अपवर्ड कम, लेकिन वक्त के साथ साथ वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती गई। एक स्टेज ऐसी आई जब दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो बॉडी को यहीं रुक जाना चाहिए, तो फिर बॉडी नीचे क्यों मूव करती है? इस वेलोसिटी से बॉडी फिर नीचे मूव करती है। जब अपर डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो गए तो बॉडी रुक क्यों नहीं जाती, मूव क्यों करती है, ये मुझे बताइएगा। थैंक यू।